हेलो फ्रेंड्स, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की एक शानदार कंपनी जो कि सितंबर में लिस्ट हुई थी, और ये कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। ये एग्रोकेमिकल्स, एपीआई केमिकल्स, फार्मा केमिकल्स एंड टेक्सटाइल केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, सब टाइप के केमिकल्स बनाती है। आरएनडी बहुत स्ट्रांग है, और यह शेयर काफ़ी दिनों से मैं कवर कर रहा हूँ, बट बीच में मैंने कवर इसलिए नहीं किया कि थोड़ा सा ऊपर चला गया था। मैं सोचा अभी कोई लेके मतलब नहीं है, अभी फिर से ये हमें अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ। जो लोग केमिकल सेक्टर के शेयर लेना चाहते हैं जो अंडर वैल्यूड है, उसमें से एक कंपनी है। इसका आज का क्लोजिंग था 916 रुपीज़, 52 वीक हाई था 1434। मतलब काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रही है, कभी करीब करीब 40% 50% डिस्काउंट पे कंपनी अभी हमें मिल रही है। पीई है 61 का, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, पी ज़्यादा रहेगा पर फंडामेंटल स्ट्रांग है। ईपीएस है 17 का जो कि अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.02, मतलब कंपनी करीब करीब डेट फ्री है। प्रमोटर होल्डिंग है 41% जो कि बहुत ही अच्छा है। एफआईआई का होल्डिंग है 2.50 और डीआईआई का होल्डिंग है 6.30 जो कि क्वाइट क्वाइट कन्विंसिंग है एंड अच्छा है। इसका ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे तो सेप्टेम्बर 2020 में प्रॉफिट था 15 करोड़, जून 2021 में वो हो गया 14 करोड़, एंड सेप्टेम्बर 2021 में बढ़कर हो गया 17 करोड़। तो दोस्तों, कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा है। कंपनी सितंबर में आईपीओ लाया था इसका, ये 1400 तक गई थी, बट बाद में बीच में अभी 900 तक टच कर दिया था। मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ शेयर के बारे में कि अभी 916 पे है, 900 तक जा सकती है मार्केट की गिरावट में। आप इसको एक्यूमेट करना शुरू कर दीजिए फिर से, क्योंकि अभी एक महीने पहले ही ये शेयर 900 से लेके तो 1050 तक चला गया था, फिर से करेक्शन पे आया है। दोस्तों, कंपनी अच्छी है, कंपनी का नाम है एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड है एज़ कम्पेयर टू तत्व चिंतन, रोजारी या क्लीन साइंस। उनके हिसाब से ये कंपनी काफ़ी अभी भी पिट रही है, तो इसका फ़ायदा ले हमने लेना चाहिए। शेयर भागता है जब नहीं पकड़ना होता है, जब गिरता है जब पकड़ना होता है। तो ये 900 के आसपास मिल रहा है आपको, तो ज़रूर बाय कीजिए, थोड़ा थोड़ा एक्यूमेट करना शुरू कीजिए। 900 का एवरेज बैठ जाए तो बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि फिर से शेयर बाउंस बैक करके 10-15% तो शॉर्ट टर्म में देगा, और जब केमिकल सेक्टर में बूम आएगा तो ये शेयर आपको 1500 to 2000 के लेवल पे दिखा सकता है। तो एमी ऑर्गेनिक्स फंडामेंटली साउंड है और डेट फ्री कंपनी है, तो इसको आप बाय कर सकते हैं इस लेवल पे। इसीलिए मैं याद दिला रहा हूँ कि अभी अच्छे लेवल पे आ गया है, फिर से बाय करने के लायक है। थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमेट कीजिए फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म यू, एंड यू कैन स्टडी अबाउट दिस कंपनी एंड टेक योर डिसीजन, बट आई फील दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय दिस कंपनी। थैंक यू।